जेल यानी बंदिशें, जहां रहने वाले हर अपराधी पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, चार दीवारी के बीच में रहते हुए जेल के सभी नियमों का पालन पहली प्राथमिकता है। आज जेल में हम आपको कोरोना नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार कोरोना के नए मरीज भी सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा ने जेल में आने वाले नए कैदियों को क्वारंटीन रखने के लिए अलग से जगह बनाई है। आपको बता दें कि जेल में अब नए कैदियों को 3 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा। हल्द्वानी की जेल में भी कोरोना का नियम लागू हो रहा है। कोरोना नियम के अनुसार जेल में नए कैदियों को अब 3 दिन क्वारंटीन रखा जा रहा है। साथ ही अस्पताल से लौटने वाले बंदियों को भी 3 दिन नए कैदियों के साथ 3 दिन क्वारंटीन रखा जा रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर में स्थित हीरानगर जेल में इस वक्त हजारों कैदी सजा काट रहे हैं। साथ ही हीरानगर जेल के जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा ने बताया कि बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए जेल में यह नियम लागू किए गए हैं। जो भी जेल में नए बंदी आ रहे हैं, उनको 3 दिन पहले क्वारंटीन रखा जा रहा है। साथ ही अस्पताल से जो भी बंदी आ रहे हैं, उनको भी 3 दिन क्वारंटीन रखने के लिए जेल परिषद में व्यवस्था की गई है। लगातार कोरोना बढ़ रहा है, जिस वजह से जेल में भी यह नियम लागू है। नए बंदी पहले तो कोरोना टेस्ट करा के आते हैं, नेगेटिव जो है उसी को जेल में दाखिला होता है और उनको भी क्वारंटीन रखा जाता है 3-4 दिन कम से कम, क्योंकि जगह की कमी है इस जेल में। 3 गुने से ज़्यादा बंदी हैं, इसलिए ज़्यादा दिन न रख के 3 दिन में अगर उनमें कोई लक्षण आता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, नहीं तो उसे दूसरी बैरकों में वितरित कर दिया जाता है। जो भी बंदी बाहर अस्पताल जाएगा उसे कम से कम 3 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा, उसके बाद ही उसे उसके बैरक में भेजा जाएगा। जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा का कहना है कि कोरोना का नियम जेल में पूरी तरीके से लागू है। कोरोना नियम के अनुसार जेल में आने वाले नए बंदी को 3 दिन क्वारंटीन रखने के बाद ही अन्य कैदियों के बीच शामिल किया जाता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।